मंडे का दिन, तारीख 11 दिसंबर 2023, और ये है आज का न्यूज रैप विद ऑल इम्पॉर्टेंट एंड लेटेस्ट न्यूज ऑफ द डे। मैं मानसी हूँ आपके साथ। सबसे पहले जिसका सभी इंतजार कर रहे थे उस खबर को आपको बताती हूँ। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो चुका है। मोहन यादव होंगे एमपी के नए चीफ मिनिस्टर। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण के विधायक हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा और सबने ही सपोर्ट किया। इसके साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला डिप्टी सीएम बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक हिस्टोरिकल डिसीजन दिया ऑन आर्टिकल 370। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में आर्टिकल 370 के हटाने के डिसीजन को सही करार दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 370 वाज एन इंटरिम अरेंजमेंट ड्यू टू वॉर कंडीशंस इन जम्मू कश्मीर। 16 दिन चले इस सुनवाई का फैसला आज सुनाया गया और इसके साथ ही दिसंबर 2018 में लगाए राष्ट्रपति शासन पर उन्होंने फैसला सुनाने से इनकार किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब 13 दिसंबर को सीएम विष्णुदेव साई दो डिप्टी सीएम के साथ शपथ लेंगे। कल ही इनका नाम अनाउंस हुआ था एज सीएम ऑफ छत्तीसगढ़। कहा जा रहा है कि आदिवासी और ओबीसी से पांच पांच नाम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही सीनियर विधायक बृजमोहन अग्रवाल को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस एमपी हु हैज नाउ बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा इन कैश फॉर क्वेरी केस हैज मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ द लोकसभा एथिक्स कमेटी। यस, बात कर रहे हैं महुआ मोइत्रा की। अपनी पिटीशन में मोइत्रा कॉन्टेस्टेड दैट द एथिक्स कमिटीज रिकमेंडेशन अगेंस्ट हर एंड द सब्सिक्वेंट पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन बाय द लोकसभा वॉज रॉन्ग। मोइत्रा वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्लियामेंट ऑन फ्राइडे इन कनेक्शन विद द कैश फॉर क्वेरी केस फॉलोइंग अ पार्लियामेंट्री वोट। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। एफबीआई चीफ क्रिस्टोफर रे आज इंडिया आ रहे हैं। ड्यूरिंग हिज टू डे विजिट रे विल बी होल्डिंग मीटिंग्स विद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल, रॉ चीफ रवि सिन्हा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चीफ दिनकर गुप्ता एंड सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद, अपार्ट फ्रॉम अदर सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड होम अफेयर्स। हमास इसराइल के बीच चल रही जंग में पिछले 24 घंटों में 300 पैलेस्टीनियंस की डेथ की खबर आ रही है। हमास ने बंधकों को जान से मारने की धमकी भी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो किसी भी बंधक को रिहा नहीं करने वाले, छोड़ेंगे नहीं। इंडियंस के अगेंस्ट हेट क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करेगा अमेरिका। ये अमेरिका ने 12 स्टेट्स में इंडियंस के लिए विशेष आयोग बनाया है। इसमें इंडियंस के अगेंस्ट हेट को लेकर सुनवाई होगी। अमेरिका के 50 लाख इंडियंस में से 30 लाख इन्हीं 12 स्टेट्स में रहते हैं। बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की ओर। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 दिसंबर को खेला जाना है। ये मुकाबला गकेबेरहा शहर के सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका में शाम 5 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा, हालांकि तब भारत में रात के 8:30 बज रहे होंगे। सीरीज का पहला मुकाबला कल होना था यानी कि 10 दिसंबर को, लेकिन बारिश से धुल चुका, टॉस भी नहीं हुआ। ऐसे में अब बाकी बचे दोनों मुकाबले जीतने वाली टीम ही विजेता बनेगी। ऐसे में हर मुकाबला अहम होगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस विल टेक प्लेस ऑन 21st of December एंड द रिजल्ट विल बी आउट ऑन द सेम डे। द इलेक्शंस विल हेल्ड ड्यूरिंग द स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में चल रहे प्रो कबड्डी लीग में संडे यानी कल हरियाणा स्टीलर्स ने दबंग दिल्ली को हराया। वहीं बंगाल वॉरियर्स ने तमिल थलाइवास को दी शिकस्त। टुडे जयपुर पिंक पैंथर्स एंड गुजरात जायंट्स विल फेस ईच अदर। बॉलीवुड की खबरों की ओर थोड़ा सा रुख करते हैं। मुक्ति मोहन जो कि एक बड़ी पॉपुलर एक्टर और डांसर हैं, उन्होंने हाल ही में एक्टर कुणाल ठाकुर से शादी कर ली। वेडिंग फोटोज को देख फैंस काफी खुश हैं। मुक्ति मोहन मशहूर सिंगर नीति मोहन और फेमस डांसर शक्ति मोहन की बहन है। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन हु अपीयर टुगेदर इन द टोबैको विमल्स एड हैव बीन सर्व नोटिसेस। अ पिटीशन हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट कंसर्न्स अबाउट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड पद्मा अवॉर्डीज पार्टिसिपेटिंग इन एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स दैट कैन बी हार्मफुल फॉर कंसम्पशन एंड हेल्थ। हॉलीवुड एक्टर और जॉन विक फेम कियानू रीव्स के घर में चोरी हुई है।
लॉस एंजलिस पुलिस के मुताबिक सुपरस्टार एक्टर के घर में कुछ बदमाश खिड़की तोड़कर घुसे थे। इस पूरी घटना में एक्टर के घर से सिर्फ एक बंदूक चोरी हुई है। अब बढ़ते हैं बिजनेस की न्यूज, अब बढ़ते हैं मार्केट की न्यूज की ओर। सेंसेक्स 114 पॉइंट से उठकर 69,940 पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी भी 25 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 20,995 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ। और अगर हम टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल एंड नेस्ले आर टॉप गेनर्स टुडे, वेयर एज डॉक्टर रेड्डी लैब्स, एक्सिस बैंक एंड सिप्ला वो टॉप लूजर्स टुडे। जाने से पहले सोने के भाव की भी बात करेंगे, सोने के रेट पर भी बात कर लेते हैं। गोल्ड का रेट आज 63,460 रुपीज है। दिन भर की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज के इस न्यूज रैप में आपको दी हैं। कल फिर मिलेंगे ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट विद द लेटेस्ट न्यूज़।